हेलो वेलकम यार, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब डे डूइंग ग्रेट। तो यार वन प्लस बर्ड्स जी टू ले लिए, एंड वन प्लस बर्ड्स जी जिन्होंने यूज़ किए थे उन्होंने काफ़ी इशू फेस किया इनको कनेक्ट करने का, बट जी टू में काफ़ी हद तक वो इशू सॉल्व हो गया था। बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपका एक ईयर पीस वन प्लस बर्ड्स जी टू का काम करना बंद कर गया है या काम नहीं कर रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो रहा है या इस टाइप की एनी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि कैसे आप अपने वन प्लस बर्ड्स जी टू की सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एंड आपका पैसा थोड़ा बचा लेते हैं। बट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोज के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये आ गया आपके वन प्लस बर्ड्स जी टू, ये आ गया सिंपल ईयर साफ करने वाला बर्ड। तो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। पहली होती है एक ईयर बर्ड आपका काम नहीं कर रहा है। तो काम ना करने का जो मतलब होता है वो ये होता है, ये जो चार्जिंग पिन्स हैं ये आपकी कई बार डैमेज हो जाती हैं, एंड अगर आप रफ यूज़ करते हैं तो मे बी ये आपका डर्टी काइंड ऑफ हो जाएगा। देन आप उसको क्लीन कीजिए, एंड जो इनर पोर्शन है यहाँ पे चार्जिंग पिन वाला उसको भी आप क्लीन कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, जिससे कि जो है डर्ट वगैरह वो निकल जाए। देन आपको ईयरबड्स रखने हैं एंड हल्का सा प्रेस करके इसको बंद कर देंगे। देन अगर आप इसको थोड़े देर के लिए लेफ्ट कर देंगे देन वो चार्जिंग लेना स्टार्ट कर देगा। अगर चार्ज नहीं हो रहा होगा तो चार्जिंग जो प्रॉब्लम है इससे सॉल्व हो जाएगा। देन अगर डैमेज है ये चीज़ या इनर पोर्शन देन तो कुछ नहीं हो सकता। आप इधर ब्रांड से कॉन्टैक्ट कीजिए और जहाँ से परचेज किया उनको कॉन्टैक्ट कीजिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम है एंड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कनेक्टिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी वन प्लस बर्ड्स जी टू में क्योंकि फास्ट पेयरिंग के साथ आता है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे आपकी फ़ोन से कनेक्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा एंड वहाँ पर आप कनेक्ट कर पाएंगे। बट अगर ये चीज़ करने के बाद भी आपका इश्यू सॉल्व नहीं होता है देन एक रामबाण तरीका यहाँ पर दिया गया, ये वाला जो बटन है इसको बोलते हैं रीसेट बटन। तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इशू आता है आपके वन प्लस बर्ड्स जी टू में देन आप डेफिनेटली इसको प्रेस करके आप अपने ईयरबड्स को रीसेट कर सकते हैं। क्या करना होगा, ईयरबड्स को केस में रख के डिस्कनेक्ट करते फ़ोन से एंड मेक श्योर कीजिए कि चार्ज ये हैं। आपको उसके बाद होल्ड करना है जो बटन है वो, एंड जो सामने ये लाइट है ये वाइट लाइट आपकी ब्लिंक करेगी एंड आपकी तो गाइस वाइट लाइट ब्लिंक करने के बाद ईयरबड्स आपके रीसेट हो गए। एंड रीसेट होने के बाद जो है आपके ईयरबड्स दोबारा से पेयर हो जाएंगे आपके फ़ोन के साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो पेयर होंगे। मेरे फ़ोन में डेफिनेटली वो ऑप्शन आ रहा था पेयरिंग वाला, एंड अगर यहाँ पे मैं इनको दोबारा से ओपन करता हूँ तो जो फ़ोन था उसमें ऑलरेडी ये पेयर्ड है। उसके अलावा आपको ऊपर बैटरी वगैरह की डिटेल्स दिख जाएंगी एंड देन आपको जो इसकी एप्लीकेशन है हे मेलोडी करके, तो वहाँ पे जाके भी आप थोड़ा बहुत इसके साथ चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस में क्या चेंजेस हैं गाइस, चेंजेस में ये हैं आप अपने ईयरबड्स का सॉफ्टवेयर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट तो नहीं आया हुआ। अगर अपडेट है देन डेफिनेटली उसको अपडेट कर लें एंड मेक श्योर करें कि आपके ईयरबड्स अप टू डेट हैं कोई भी सॉफ्टवेयर इश्यू को डील करने के लिए। तो गाइज ये परफॉर्म करने के बाद आपके ईयरबड्स कनेक्ट हो जाएंगे आपके फ़ोन के साथ एंड दोनों के दोनों ईयरबड्स काम करने लग जाएंगे। तो अगर आपके ईयरबड्स की प्रॉब्लम सोल्व हो गई देन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय गाइज।